हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कौन आपकी तरफ आ रहा है, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है, कौन है जो आपकी दिशा में आपकी तरफ बढ़ रहा है, हम ये जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना रेजोनेट हो आपके साथ उतना ही एक्सेप्ट कीजिए और ओपन माइंडेड होकर सुनिए, ओके? क्योंकि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। इसमें हम जानेंगे कौन आपकी तरफ आ रहा है, कौन आपकी तरफ बढ़ रहा है, हु इज़ कमिंग टूवर्ड यू, हु इज़ गेटिंग अट्रैक्टेड टू यू, कौन आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, कौन आपकी तरफ आ रहा है, ये हम चेक करेंगे, ओके व्यूअर्स। साथ ही साथ मुझे ये भी इन्फॉर्म करना था आपको कि अगले कुछ दिन तक, 3 या 4 दिन तक, हर दिन सिर्फ एक ही रीडिंग आ पाएगी, ओके? जो हर दिन हम 3 रीडिंग्स और 2 रीडिंग्स करते ही हैं, वो नहीं हो पाएगा। एक एक रीडिंग आ पाएगी अगले कुछ दिनों तक, 3-4 दिन तक, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बिजी चल रही हूँ कुछ दिनों के लिए, तो आप थोड़ा उसे मैनेज कीजिएगा। मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी ये बात अपलोड कर दी है, पोस्ट कर दी है, तो कम्युनिटी पोस्ट में भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी मैंने आपको इन्फॉर्म कर ही दिया है कि अगले कुछ दिन के लिए, 4 से 5 दिन के लिए या 3-4 दिन के लिए एक ही रीडिंग आ पाएगी हर दिन। फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि अगर मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर पाऊँ तो कर दूंगी, वरना हर दिन एक रीडिंग तो आएगी ही, ओके? आइए देखते हैं कौन आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, कौन आपकी तरफ आ रहा है। चलिए देखते हैं इस चीज को। सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड है, ये कार्ड कल भी आया था, थिंकिंग मैन का कार्ड है। हियर वी हैव अनदर कार्ड, द कार्ड ऑफ अप्रिसिएशन। ओके, एंड वी हैव हॉस्टिलिटीज, इंटरेस्टिंग। तो व्यूअर्स, सबसे पहली बात यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कौन आपकी तरफ आ रहा है, व्यूअर्स, ये कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर आपसे ज़्यादा मैच्योरिटी है, आपसे ज़्यादा समझदारी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एज में ये इंसान आपसे ज़्यादा है, या पोस्ट में, पोजिशन में आपसे ज़्यादा है, या फिर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस इनका आपसे ज़्यादा है, लाइफ का सेंसिबिलिटी, मैच्योरिटी आपसे ज़्यादा है। कुछ ऐसी चीज़ें लग रही हैं जिसमें ये इंसान ना आपसे ज़्यादा मैच्योर, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, आपसे ज़्यादा एज का, या आपसे ज़्यादा जो आपसे ज़्यादा कहीं ना कहीं बड़ा है या मैच्योर है, ऐसा दिख रहा है, ऐसी वाइब है। तो ये जो इंसान है ना, लिटरली साफ साफ दिख रहा है कि आपकी ओर आ रहे हैं, क्योंकि आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। और ये जो इंसान आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं व्यूअर्स, ये कोई ऐसे इंसान है जो कहीं ना कहीं बहुत आसानी से ना किसी चीज़ से इम्प्रेस नहीं होते, बहुत आसानी से किसी चीज़ पर फिदा नहीं होते, किसी इंसान पर फिदा नहीं होते, लेकिन जब उन्हें कोई पसंद आता है तो वो जेन्युइनली पसंद आता है। यानी कि जब किसी चीज़ की तारीफ करेंगे, किसी इंसान की तारीफ करेंगे, तो बहुत जेन्युइनली करेंगे, दिखावा नहीं करेंगे, नाटक नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, शो नहीं करेंगे, फेक। तो यहाँ पर व्यूअर्स, उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन हुआ, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, और आप इस इंसान को जानते तो हैं, लेकिन इस इंसान को ज़्यादा क्लोजली आप नहीं जानते। जैसे ये सोशल मीडिया पर हो सकते हैं, ओके, आपसे थोड़ा बहुत इंटरेक्ट किया हो सकता है, आपका और इनका इंटरेक्शन ज़्यादातर सोशल मीडिया पे हुआ हो सकता है, क्लोजली आप इनको नहीं जानते हैं, क्लोजली आप दोनों का इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपको देख देख के इन्होंने मन बनाया है कि ये आपकी तरफ जाएंगे, आपको देख देख के इन्होंने मन बनाया है कि ये आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वो देखना क्या है, वो 2 तरह का हो सकता है। या तो आप लोग किसी सेम वर्क प्लेस पर, किसी सेम जगह पर जाते हैं,
जहाँ पर वो आपको लाइव देख सकते हैं, सामने से देख सकते हैं रियलिटी में, या फिर ऐसा हो सकता है जो कि मैंने पहले कहा कि सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे उन्होंने आपको बहुत देखा है, आपके पिक्चर्स, आपके फोटोग्राफ्स जो भी हैं सोशल मीडिया पे अपलोडेड हैं उनको देखा है। कहीं ना कहीं उनको देखते देखते ग्रेजुअली इस इंसान का इंटरेस्ट आप में इतना ज़्यादा डेवलप हो गया, इतना ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन फील हुआ कि इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इनको आपकी तरफ जाना है और ये आपकी ब्यूटी से इम्प्रेस हैं। यस, आपकी ब्यूटी से इम्प्रेस हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं इस इंसान को ना आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस ऐसा लगता है आपका कि जिसकी वजह से उनको आपको पाना थोड़ा चैलेंजिंग भी लगता है, लेकिन उनको मज़ा भी उसी में आता है क्योंकि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट और काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान हो। आप कोई भी हो, मेल फीमेल कोई भी हो, काफ़ी कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिस्पेक्टिंग हो, इस वजह से इनको ऐसा लगता है कि आपको पाना आसान तो नहीं होगा। ओके, कोई आसान आसान काम या कोई चुटकी भर की चीज़ नहीं होगी आपको पाना, क्योंकि आप सेल्फ रिस्पेक्टिंग इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, तो आपको कन्विंस कर पाना, आपको इन्फ्लुएंस या इम्प्रेस कर पाना बहुत टफ होगा। और कहीं ना कहीं फिर भी उन्हें वो चीज़ पसंद है, वो टफ है, मुश्किल है, फिर भी पसंद है, तो उनको ये चैलेंजिंग लग रहा है, उनको चैलेंजिंग लग रहा है कि जैसे उनके लिए ये एक चैलेंज हो गया कि उन्हें आपको पाना है या आप तक पहुंचना है या आपको अपना बनाना है, ये उनके लिए एक चैलेंज हो गया और उन्हें चैलेंज लेने में बहुत मज़ा आता है। ये कोई ऐसा इंसान है जो हाईली कंपेटिटिव है, कहीं ना कहीं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके चैलेंजेस को फेस कर सकता है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है इस इंसान की, जैसे कोई वॉरियर है, एक वॉरियर वाली पर्सनालिटी मुझे इस इंसान की दिख रही है कि ये एक वॉरियर की तरह चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपने ही मन में उस चैलेंज को पूरा करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से ये आपसे ज़्यादा इम्प्रेस होके, अट्रैक्ट होके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ने का डिसाइड किया है और आपकी तरफ मूव करेंगे व्यूअर्स। तो उनको मालूम है कि मुश्किल होगा, लेकिन जितना मुश्किल होगा, जितना मुश्किल होगा, जितना चैलेंजिंग होगा, उतना उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, उतना ज़्यादा उनको क्यूरियासिटी हो रही है। जैसे उन्होंने बोला आई लव यू और आपने बोल दिया आई लव यू टू, तो उनको इतना इजीली सर्व्ड कुछ चाहिए ही नहीं, जो आसानी से सर्व हो जाए, जो आसानी से उनके आगे प्रस्तुत हो जाए, उनको वो नहीं चाहिए। उनको वो चीज़ें ज़्यादा एक्साइटिंग लगती हैं, वैसे चीज़ें, वैसे रिश्ते, वैसी चीज़ें पाना पसंद है, वैसे रिश्ते बनाना पसंद है, जहाँ पर यू नो प्यार के रिश्ते, जहाँ पर वो एक चैलेंज की तरह उसे पाते हैं, उसको पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, उन्हें अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, तो उनको ऐसा चैलेंजिंग पसंद है, चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर पसंद है, क्योंकि ये कंपेटिटिव इंसान भी है, एक ब्रेव इंसान भी है, और आसानी से मिली हुई चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस इंसान को है नहीं। तो क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग हो, ऐसे हो, वैसे हो, ब्यूटीफुल हो, तो इस वजह से आप आसानी से इनके हाथ में नहीं आओगे और ये इनके लिए चैलेंज है। साथ ही साथ व्यूअर्स ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है ना, बिना आपको पता लगे, लाइक आपको पता नहीं चलेगा, फिर भी ये इंसान ना आपके फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा अपने पास रखते हैं, अपने फ़ोन में, अपने डिवाइस में आपके फ़ोटोज़, आपके पिक्चर्स, वो सब कुछ कलेक्ट करके रखते हैं, और बहुत बहुत घंटों तक तो नहीं अगर, लेकिन बहुत बहुत दिनों तक, बार बार दिन में 5-6 बार, 3-4 बार आपका फ़ोटो देखते हैं बार बार। ऐसा लगता है कि आपसे बात इस इंसान ने कम की है, ओके, आपसे बात कम की है, लेकिन इनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है। इनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट और आप जो भी करते हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, कोई स्किल परस्यू कर रहे हो, कुछ आर्ट आर्टिस्टिक कुछ करते हो, क्रिएटिव हो, कुछ भी करते हो, जो भी अपनी लाइफ में आप कर रहे हो ना, उस चीज़ के लिए इस इंसान के मन में बहुत अप्रिसिएशन है, क्योंकि आपकी जो भी आप कर रहे हो उसकी झलक आपके सोशल मीडिया पे या कहीं ना कहीं दिखती है, जिससे वो और ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं या करती हैं आपको। यस व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कुछ स्पेशल टोकन ऑफ लव ये आपको देना चाहते हैं, ये कोई ऐसा गिफ्ट आपको देना चाहते हैं जो बहुत प्रीशियस भी हो, बहुत जेन्युइन लगे
बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, ऐसा कुछ गिफ्ट वो आपको देना चाहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे हाथ से बनाया हुआ कोई कार्ड हो या फ्लावर हो या चॉकलेट्स हो या सिर्फ उसमें कुछ ना हो, तो वो कुछ भी ऐसा कुछ देना चाहते हैं जो बस एक टोकन ऑफ लव है, जो जेन्युइन लगे। जैसे कोई रिंग देना चाहते हैं, कोई और भी गिफ्ट देना चाहते हैं, तो गिफ्ट तो देखिए कुछ भी हो सकता है, प्रेजेंट गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनको कुछ इच्छा है कि वो आपको कुछ दें। और व्यूअर्स ये इतने कंपेटिटिव है कि अगर आपको पाना वो चाहेंगे और बीच में अगर कोई और आएगा या बीच में कोई और बीच में टांग अड़ा के आपको पाने की कोशिश करेगा, ज़्यादा कंपटीशन करने की कोशिश करेगा इनके साथ, तो ये उसे बुरी तरह हरा देंगे किसी भी चीज़ में, अगर ये जैसे ये आपको पाना चाहते हैं। अगर कोई और भी आपको पाना चाहेगा और आपको चेज़ करेगा कहीं ना कहीं आपको आपको पाने के लिए, आपका अटेंशन पाने के लिए, तो ये इतने कॉम्पिटिटिव है और इतने ज़्यादा पैशनेट है कि उस इंसान को हरा देंगे। ये जो भी आपको पाना चाहेगा उसे पीछे छोड़कर ये आपको आगे जाके आपको प्राप्त करना चाहेंगे। तो क्योंकि इनको ऐसा लगता है, इनको खुद भी लगता है और लग रहा है, इनकी एज ज़्यादा है, मेच्योरिटी ज़्यादा है, डिसीजन मेकिंग इनकी मैं कहूँगी काफ़ी क्लियर है। मैं अगर ये कोई मेल है तो मुझे लग रहा है इनकी बियर्ड हो सकती है, इवन मुझे भी है, बियर्ड है, मुस्टाश है, ऐसा लगता है हल्की हल्की है बियर्ड, लेकिन बियर्ड है। यस, एंड दे यूजुअली वेयर ब्लैक, ये ब्लैक पहनते हैं ज़्यादातर, मेल की बात अभी मैं कर रही हूँ, जैसे ब्लैक शर्ट है, ब्लैक टी शर्ट है, ब्लैक कुर्ता है, जो कुर्ता पजामा पहनते हैं लड़के, तो कुछ ब्लैक ज़्यादा पहनते हैं या ब्लैक पहनना पसंद है, ऐसा भी हो सकता है। इस इंसान के जो जो बाल हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं हैं, ज़्यादा मतलब मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि एकदम छोटे छोटे बाल हैं, लेकिन बहुत बड़े बाल नहीं हैं, ज़्यादा घने ज़्यादा बड़े बाल नहीं हैं, बट हाँ बालों का टेक्सचर अच्छा है इनके, सॉफ्ट सिल्की ऐसा टेक्सचर अच्छा है बालों का। वहीं पर व्यूवर्स मुझे ऐसा लगता है कि आप थिन हो सकते हैं, आप काफ़ी हैवी बॉडी के, बहुत कर्वी बॉडी वाले इंसान शायद आप नहीं हैं, आप पतले हैं, मीडियम टू स्लिम इस टाइप के आप हो सकते हैं। आई मीन आपका वेट जो है वो ज़्यादा नहीं है, वेट आपका कम है ऐसा लगता है। एंड यू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर स्टाइल्स, आप ना अलग अलग टाइप के हेयर स्टाइल्स बनाते हैं, अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी हैं, अलग अलग तरह का हेयर स्टाइल, अलग अलग तरह का कुछ ट्राई करते रहते हैं अपने अपने साथ, फैशन, हेयर कट या हेयर स्टाइल कुछ डिफरेंट ट्राई करते रहते हैं। आपकी जो क्लोदिंग है, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो काफ़ी डिसेंट है, लाइक डिसेंट टाइप ऑफ क्लोदिंग और ड्रेसिंग यू डू, आप ऐसा कुछ नहीं पहनते जो ज़्यादा ट्रेंडी है, ज़्यादा थोड़ा चटक मटक क्या कहते हैं उसको, ज़्यादा ही ग्लिटरी है, ज़्यादा ही शाइनी है, नो, यू वेयर समथिंग सटल, समथिंग डिसेंट, समथिंग यू नो, कुछ ऐसा पहनते हैं जो आप काफ़ी डिसेंट लगता है, और आपके या तो फिर आपके पर्सन हैं जिनके लिए बात हो रही है कि वो भी मतलब डिसेंट उनका भी फैशन सेंस है, लेकिन आप जो भी हैं व्यूअर्स, मेल फीमेल, आपका ड्रेसिंग सेंस कुछ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी, वाइब्रेंट, एकदम कलरफुल, रंग बिरंगा या फिर एकदम चमकीला, वो सब आप नहीं पहन सकते। आप बहुत ही डिसेंट टाइप ऑफ क्लोदिंग करते हैं, बहुत ही डिसेंट टाइप ऑफ कपड़े जो है उनको पहनते हैं। या चलिए आगे और देखते हैं। और देखते हैं कौन है व्यूअर्स, इस इंसान का जो जोडियक साइन है वो हो सकता है जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस। यस, इस इंसान का जोडियक साइन हो सकता है जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस, और ये इंसान अब डिसाइड कर चुका है कि ये आपको अप्रोच करेगा सूनर और लेटर। इस इंसान की तरफ से आपको कोई ना कोई ऐसा एक्शन देखने को मिल सकता है, यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम दिस पर्सन, कि कोई एक्शन ज़रूर लेंगे क्योंकि इन्होंने डिसीजन तो ले लिया है, डिसीजन तो इन्होंने ले लिया है आपकी तरफ बढ़ने का,
आपको कोई गिफ्ट देने का या कोई आपको प्यार का ऑफर देने का कुछ इन्होंने सोचा तो है। पर ये इंसान गुस्से वाले हैं, मेल फीमेल कोई भी हैं ये, इनको गुस्सा आता है, गुस्सा आता है तो फिर इनके सर पे चढ़ के बोलता है गुस्सा। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, ये इंसान ना बहुत बड़े फ्रेंड सर्कल वाले इंसान नहीं है। इनका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल आपको देखने को नहीं मिलेगा, सोशल मीडिया पर भी इनकी फ़ोटोज़ वगैरह आपको बहुत सारे लोगों के साथ नहीं दिखेंगी। कोई एक या दो इंसान ही होगा जिसके साथ ज़्यादातर इनकी फ़ोटो आती होगी, कोई एक दोस्त या कोई भाई बहन या कोई एक दो फ्रेंड, बस ज़्यादा लोग नहीं हैं। ओके, वो रिपीटेड लोग हैं, वही एक दो लोग हैं जिनके साथ इनकी फ़ोटोज़ वगैरह आपने देखी होंगी या इन सुना होगा। ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना, बड़ा सर्कल बनाना ऐसा नहीं है। मैं ये सब इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप पहचान सकें कि ये कौन हो सकता है। तो बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं है, कम दोस्त हैं। मुझे लगता है ये इंसान थोड़ा अकेला रहना पसंद करते हैं, थोड़ा बुक रीड करते हैं या कुछ और रिसर्च करते रहते हैं, कुछ और स्टडी करते हैं अकेले में, कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ यूनिक, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो इनको अकेले रहना थोड़ा पसंद हो सकता है, अकेले में कुछ एनालिसिस, कुछ रिसर्च, कुछ स्टडी, कुछ पढ़ाई, कुछ जिम, कुछ योगा, कुछ ना कुछ चल रहा है अकेले में। ओके, कोई ना कोई काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो इंसान है ना, थोड़ा सोशल वर्ल्ड से ना थोड़ा कट ऑफ करना चाहते हैं। इन्होंने आपकी वजह से सोशल मीडिया यूज़ करना ज़्यादा कर दिया है, आपकी वजह से सोशल मीडिया यूज़ करना ज़्यादा कर दिया है, ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है यूज़ करना। पहले वो इतना यूज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको सोशली थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड रहना पसंद है। ज़्यादा सोशली इन्वॉल्व होना, ज़्यादा सोशली एक्टिव होना, ज़्यादा घुलना मिलना और ज़्यादा दोस्तियाँ बनाना, ये सब उनको कम पसंद है। तो वो सोशल मीडिया पर भी कम एक्टिव रहते हैं, आपकी वजह से ज़्यादा एक्टिव रहना शुरू कर दिया है इस इंसान ने। पर इनको लग रहा है इस समय, देखिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते, पर ये क्योंकि आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हुए हैं सोशल मीडिया से, पर क्लोजली और डीपली आपको जानते नहीं हैं, लाइक पर्सनल लेवल पर आपको नहीं जानते हैं, फिर भी इनके दिल में इनको ऐसा डाउट है या ऐसा आइडिया है, ऐसी फीलिंग है कि जैसे ये प्यार में है। जैसे हम कहें कि कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया है, कहीं सच में मुझे ये इंसान इतना पसंद आने लगा है, तो कहीं ये ट्रू लव तो नहीं है। तो उनके मन में भी ऐसे आइडियाज़ और थॉट्स हैं। अभी ये नहीं कह सकती मैं कि इनको अनकंडीशनल लव है, लेकिन इनके मन में वो फीलिंग्स तो हैं, वो फीलिंग्स को लेकर थॉट, वो फीलिंग्स को लेकर आइडिया, वो फीलिंग्स को लेकर कहीं ना कहीं विचार है। ओके, कि मुझे जो प्यार हुआ है ये अट्रैक्शन नहीं है, ये प्यार है, सच्चा प्यार है, ऐसा उनको फील हो रहा है। ये कोई ऐसे ही इंसान है जिनको अभी खुद को नहीं पता है कि उन्हें कितना सच्चा प्यार है और कब तक चलेगा। व्यूअर्स, इस इंसान का जोडियक साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी हो सकता है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, यस। ये एक जेन्युइन लवर है, ये किसी को प्यार, अगर इनका कोई रिलेशनशिप पास्ट में रहा होगा, एक या दो जो भी रहा होगा, तो वो भी इनका जेन्युइन रहा होगा, जैसे 2 साल 3 साल कुछ अच्छा चला होगा और काफ़ी जेन्युइन रहा होगा इनकी तरफ से, किसी और रीज़न से, किसी और प्रॉब्लम से टूटा होगा। तो वरना ये अपना पास्ट रिलेशनशिप भी अगर इनका रहा है तो वहाँ भी ये जेन्युइन रहे हैं, चीट करने वाले या यहाँ वहाँ भटकने वाले इंसानों में से नहीं लग रहे हैं। आप इनका पास्ट पता कर सकते हैं कि इनका पास्ट में इनका कोई रिलेशनशिप होगा एक या दो, और उसमें भी ये जेन्युइन रहे होंगे या फिर वो अच्छा चला होगा अच्छे समय तक। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं ये इंसान एक फैमिली पर्सन है जो परिवार को बहुत महत्व देने वाला है, परिवार को बहुत रिस्पेक्ट करने वाला है, परिवार को बहुत सुनने वाला है, कहीं ना कहीं फैमिली के लिए डेडिकेटेड है और फैमिली के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर सकता है, फैमिली के लिए बहुत कुछ एक्स्ट्रा कर सकता है, फैमिली के लिए बहुत कुछ फेस कर सकता है। तो फैमिली मैन, फैमिली वुमन टाइप ऑफ पर्सन है ये, यस। फैमिली वैल्यूज इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई हैं। ये चाहते हैं जैसे काश आप इनके होते तो इनके परिवार का हिस्सा बन जाते, या जैसे वो आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हो, इस टाइप का थॉट भी इनको आता होगा। लेकिन स्पेशली इनके सिबलिंग है, इनका इनके भाई बहन है, मुझे ऐसा लगता है सिबलिंग है, और ऐसा लगता है कि
ये खुद सबसे छोटे नहीं है शायद, इनसे छोटी बहन या इनसे छोटा भाई, भाई बहनें इनसे छोटे हैं, ये सबसे छोटे नहीं है, इनसे छोटा कोई है ऐसा लग रहा है। देर इज समवन हु इज यंगर देन दिस पर्सन, इनका छोटा भाई या इनकी छोटी बहन हो सकती है, हो सकता है इनका बड़ा भी कोई भाई बहन हो, लेकिन इनसे भी छोटा कोई है। और अगर ये खुद ही बड़े हैं तो डेफिनेटली इनसे छोटा भाई बहन कोई है। मुझे ये अकेले नहीं लग रहे, सिंगल चाइल्ड चाइल्ड नहीं लग रहे, और इनसे छोटा भी कोई नजर आ रहा है। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो हो सकता है 5/15/25, 6/16/26, 4/14/24, 8/18/28, 10/20/30, 1/11/21, ये कुछ डेट्स हैं जिसमें उनका जन्मदिन हो सकता है स्पेशली, और आपका भी इसमें आ सकता है। उनका जो बर्थ मंथ है वो हो सकता है जनवरी, नवंबर, मई, एंड जून, एंड अक्टूबर, अप्रैल, अगस्त, फ़रवरी, अक्टूबर मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, मई, जून, टू, यही कुछ मंथ है जिसमें उनका जन्मदिन हो सकता है। ओके व्यूवर्स, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। आप शायद समझ पाए हैं कौन हो सकता है वो इंसान, तो कमेंट्स में लिखिए। और अगर कोई नहीं है ऐसा, कोई आपको नहीं समझ में आया तो वो भी लिखिए कमेंट में। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। रीडिंग को क्लेम करने के लिए एंजल नंबर टाइप करें और रीडिंग को क्लेम करें। जिन पर भी आपका फेथ है, विश्वास है, कमेंट्स में उनको थैंक यू करें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।